तो दोस्तों कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने गार्डन में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स कुछ ये मैंने बीज लगाए थे और ये देखिए कितने अच्छे से निकल के आ गए हैं सारे बीज। ये जो इनकी वीडियो पहली थी फ्रेंड्स, वो पता नहीं मेरी कहाँ निकल गई, क्योंकि फ़ोन में इतनी वीडियो नहीं आती हैं तो वो सारी वीडियो निकल गई हैं। ये देखिए मैंने जिस समय लगाए थे वो वीडियो भी मैंने बनाई थी और बीज भी सारे बना करके तैयार रखे थे। तो ये देखिए जब हम बीज हमारे उग जाते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको हम पॉलीथीन, जो छोटी छोटी पॉलीथीन होती है, तो उसके अंदर हम उनको कर लेते हैं। करने के बाद जब वो फ्रेंड थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद हम उनको गमलों में करते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बीज हमारे उग गए और उनको हमने गमले में कर दिया, तो ऐसे करेंगे तो हमारे प्लांट मर जाएंगे। तो पहले आप जो है बीज को किसी तसले या किसी गमले के अंदर उगा लीजिए और फिर उनको छोटी छोटी पॉलीथीन के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए, और उसके बाद वो थोड़े बड़े हो जाए तब उसके बाद गमले में ट्रांसफ़र कीजिए। क्योंकि एकदम से आप ऐसा नहीं कि बड़े गमले में आपने छोटे से प्लांट को लगा दिया तो आपका प्लांट नहीं चलेगा और वो मर जाएगा। तो इसीलिए ये प्रक्रिया आपको करनी होती है, पहले छोटे पॉट में, फिर उससे बड़े पॉट में, फिर उससे बड़े पॉट में। इस तरीके से हम अपने प्लांट को बड़ा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि एकदम से छोटे से प्लांट को बड़े से गमले में लगा देंगे तो आपका प्लांट नहीं चलेगा और वो मर जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, वो जब मेरे प्लांट थोड़े बड़े हो गए हैं, ये गमले भी मेरे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इन गमलों के अंदर अब मैं उनको ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि वो अब इसमें आराम से रह सकते हैं। तो ये जो हमारे सीजनल जो प्लांट थे तो वो सूख गए थे फ्रेंड्स, तो उनके गमले की मैंने मिट्टी निकाल दी है, प्लांट को अलग निकाल दिया है। तो इस मिट्टी में ही मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ, और ये थोड़ी नीम खली है, और ये थोड़ा फर्टिलाइज़र और है, तो इन तीनों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो ये हमारी मिट्टी तैयार हो जाएगी, जो हमारे ये प्लांट लगाने हैं तो उस प्लांट के लिए मैं ये मिट्टी तैयार कर रही हूँ, और इन गमलों के अंदर ही उन प्लांट को लगा दूँगी। तो देखिए ये जो मिट्टी तैयार हो गई है, और सबसे नीचे फ्रेंड्स मैं बहुत सारे पत्ते रख देती हूँ, उससे क्या होता है हमारी पत्ती की खाद भी हमारे प्लांट को मिल जाती है, और हमारा प्लांटर भी हल्का रहता है और हमारी मिट्टी भी कम लगती है। तो देखिए इस तरीके से भी छोटी छोटी पॉलीथीन से आपको, इसे हमारा पौधा इतना बड़ा हो जाए तो उसके बाद आपको गमले में ट्रांसफ़र करना होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको इसके अंदर लगा दिया है, और ये इसमें मिट्टी ज़्यादा नहीं है, पानी आप डालोगे तो देखिए इसमें भी मैंने आधे से ज़्यादा गमले के अंदर मैं पत्ते भर लेती हूँ पहले, और उसके बाद आप देखिए मिट्टी कितनी आई, इसमें थोड़ी सी मिट्टी आ गई है। तो इस तरीके से हमें प्लांट को लगाना होता है। तो ये देखिए सभी गमलों में नीचे पत्ते रखती हूँ, क्योंकि पत्ते मैं इकट्ठे करके रख लेती हूँ, और ये देखिए इस तरह से पॉलीथीन से अपने प्लांट को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं, तो आपको नर्सरी से बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से बीज से आप प्लांट उगाइए और उसको फिर उसके बाद पॉलीथीन में ट्रांसफ़र करिए, और पॉलीथीन से फिर गमले के अंदर। तो देखिए पानी भी आपको इस तरीके से हाथ लगा करके आराम से देना है, ये नहीं कि आपने तेज़ प्रेशर से पानी दे दिया तो आपकी मिट्टी बाहर निकल आएगी और पेड़ जो है आपका बाहर निकल आएगा, क्योंकि अभी पेड़ को जो है इसके अंदर जड़ उसकी मजबूत होंगी तभी वो थोड़ा अच्छे से चल पाएगा। अगर हमने तेज़ी से पानी दे दिया तो उसकी जड़ सारी निकल जाएंगी और हमारा प्लांट खत्म मर जाएगा। तो ये देखिए और भी बाकी जितने भी पॉलीथीन थी सभी में से निकाल के मैंने प्लांट लगा दिए हैं। तो इस तरीके से हमारे गमले की भी बचत हो जाती है और हमारे प्लांट भी लग जाते हैं। और ये देखिए प्लांट भी, एक प्लांट अगर नर्सरी से लेके आएंगे तो कम से कम 30 रुपये का हमें एक प्लांट मिलता है। तो इस तरीके से जो है मैं प्लांट तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए छोटी सी टोकरी है, इसमें हॉल है, और हॉल के अंदर अगर इस टोकरी में मैं ऐसी प्लांट लगाऊंगी तो सारी मिट्टी पानी डालते ही निकल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैं नीचे बिछा दिया है मैंने इसके अंदर कपड़ा, या आपके पास बोरी होती है जूट वाली बोरी तो उसको भी कट करके आप इसके नीचे लगा सकते हैं। तो ये कुछ गमले जो खाली किए थे उसमें टर्टल वाइन थी तो उसको मैंने निकाल लिया था, तो उसको मैं इसके अंदर लगा लूँगी यहाँ पर, ये भी मेरी टोकरी भर जाएगी। तो इस तरह से जो है हमें प्लांट अपने इकट्ठे करने होते हैं, अपने पास बहुत सारी टोकरियाँ बना करके मैं लगा लेती हूँ इसी तरीके से। तो सारे प्लांट निकाल के अलग अलग कर लेती हूँ, जो भी प्लांट अलग अलग का होता है, ऐसे नहीं कि भाई उसी प्लांट के साथ मैं इसको छोड़ देती, तो इसको मैंने अलग निकाल लिया था और ये एक टोकरी मेरी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं बहुत सारे प्लांट अपने तैयार करके अपने गार्डन में लगाती रहती हूँ। और ये देखिए टोकरी का जुगाड़, ये 10-10 रुपये की ये टोकरियाँ इस तरह की मिल जाती है, तो सस्ते में भी आप बहुत बढ़िया जुगाड़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे से टुकड़े करके आप लगा सकते हैं। और ये जो पॉलीथीन हमारी खाली हुई है तो इन पॉलीथीन के अंदर मैं सभी के अंदर ये जो मिट्टी बची हुई है तो इस मिट्टी को इसके अंदर भर दूंगी।
जो और मेरे प्लांट होंगे तो उसके बाद उन प्लांट को, छोटे छोटे प्लांट को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, और वो बड़े हो जाएंगे तो फिर उनको गमले में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने गमले में लगाए हैं प्लांट, ये मैंने यहाँ पर रख दिए हैं अलग अलग जगह पर, तो मैं वहीं पर दिखा रही हूँ जहाँ पर मैंने ये रखे हैं। तो ये सभी प्लांट ये देखिए आराम से यहाँ पर रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से चल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है प्लांट घर में ही तैयार कर सकते हैं, तो आपके प्लांट जो है सस्ते में तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने ये गुड़हल के प्लांट आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, सारे के सारे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं, जितने भी गमले यहाँ रखे हुए हैं गुड़हल के, सब कटिंग से तैयार किए हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्लांट बना करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो एक टोकरी और थी फ्रेंड्स, इसके अंदर भी मैंने मिट्टी भर के इसके अंदर मैं वार्डिंग जू लगा दूँगी। तो दो टोकरियों में मैंने टर्टल वाइन लगा दी है और एक में वार्डिंग जू लगा दी है। तो जू इसको बीच में लगाया है और इनको दोनों साइड में लगा दिया है इस तरीके से। ये देखिए बीच में इसको लगाया और कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखा है, दोनों तरफ येलो कर दी और बीच में ग्रीन कलर की कर दी। यहाँ पर ये अंगूर की बेल है फ्रेंड्स, ये मैंने मुनक्खा के बीज से उगाई थी और ये देखिए कितनी बढ़िया चल रही है। इसके बाद करती हूँ अगला काम फ्रेंड्स, तो ये है मेरा क्लांचों का प्लांट। तो क्लांचों के प्लांट में आप देख रहे हैं फूल सूख गए हैं। जब फूल सूख जाते हैं तो उनकी पत्तियों, उनकी जो है डंडियों को काटना ज़रूरी होता है। अगर हम डंडियों को नहीं काटेंगे तो हमारी पत्तियां ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि क्लांचों के बीज की हमें ज़रूरत नहीं होती है। क्लांचो कटिंग से ही बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। तो इस तरीके से जिसके ऊपर फूल नहीं है तो आपको उन सभी को काट देना है। काट देंगे तो इसकी और बहुत सारी ब्रांचें निकल के आ जाएंगी और उसकी कटिंग करके आप बहुत सारे गमले भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से जो है सारे इसके ये निकाल दूंगी। ये मेरा टावर प्लांटर है, पूरा का पूरा फूलों से भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था उस टाइम पे। तो अब ये इस तरीके से मैंने निकाल दिए हैं सभी। तो देखिए प्लांट भी अच्छे लग रहे हैं, तो मैं दिखाऊँ आपको पास से किस तरीके से आपको हटाना है। तो ये देखिए ये सारे के सारे फूल हमारे सूख गए हैं, तो इन सबको हम किस तरीके से हटाएंगे वो मैं आपको पास से दिखाऊंगी अभी, कैंची से किस तरह से मैंने इनको कट किया है। तो आपको इसी तरीके से कट करना है, ये देखिए इस तरह से यहाँ से आप कट कर देंगे तो इसमें से फिर और बहुत सारी ब्रांचें निकल के आ जाएंगी। तो इस तरीके से सभी को आप कट कर दीजिए, आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी मेरी जानकारी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने क्लांचों के प्लांट के ये सभी बीज काट दिए हैं और ये देखिए प्लांट कितने सुंदर और हेल्दी लग रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो बचे हुए थे वो मैंने यहीं पर छोड़ दिए हैं। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।